ओलेक्स पर कार बेचने के 5 आसान स्टेप। यदि आप एक भी स्टेप छोड़ देते हैं तो आप कार नहीं बेच सकते। आज हम बात करने वाले हैं ओलेक्स पर अपनी कार कैसे बेचें। अगर आप अपनी कार को जल्दी और अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक ओलेक्स ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप सिंपली प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे ओलेक्स, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। यदि आपने पहले से ही इसको डाउनलोड कर रखा है ओलेक्स ऐप को तो आप यहाँ पर सिंपली लॉगिन करेंगे। यदि आपने अभी डाउनलोड किया है तो बहुत आसान है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना। आप सिंपली जाएंगे, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारे सामने इंटरफेस आ रहा है। आपको नीचे के साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, होम, चैट, सेल, माई एड एंड अकाउंट का, ठीक है। आपको यहाँ पे सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ओके। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है कार्स का, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं ये बोलता है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द कार यू आर सेलिंग। तो सबसे पहले ये पूछता है आप जहाँ पर भी सेल करना चाहते हैं वहाँ का आप लोकेशन डाल दीजिए। सबसे पहले आपको बताता है करंट लोकेशन और सेकंड नंबर बताता है समवेयर एल्स, ठीक है। तो करंट लोकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अभी जहाँ रहते हैं वहाँ का ये लोकेशन ले लेंगे, ठीक है। और नीचे की साइड में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपने मन चाहा यहाँ पर लोकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक अपना कोई भी एग्जांपल के तौर पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर सर्च सिटी का ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ महाराष्ट्र। सबसे पहले ऊपर आ चुका है, इस पर मुझे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज सिटी करने के लिए बोलता है, मतलब आपने स्टेट तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन आप कौन सी सिटी से हो। तो यहाँ पर आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप सिटी में रहते हो, जहाँ पर भी आप कार बेचना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे मैं मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर आ चुका है, इस पर मुझे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये बोलता है चूज़ लोकेलिटी, मतलब आप कौन से एरिया से हो, ये यहाँ पे आपको दिखा दिया है। मतलब आप मुंबई से तो हो लेकिन आप कौन से एरिया से हो, लोकेलिटी में आपको ये डालना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आदर्श नगर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंटिन्यू का ऑप्शन ओपन हो चुका है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ पे खुल जाता है। देख सकते हैं यहाँ बोलता है इंक्लूड सम डिटेल्स, मतलब हमें यहाँ पे सारी डिटेल भरनी पड़ती है। हमारी जो भी कार्स है उसकी यहाँ पर डिटेल हमें फिल करना है। यदि आपको अपनी डिटेल नहीं पता तो पहले आप अपनी कार की जानकारी निकाल लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर फिर उसके बाद डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हो। आपके पास जितनी कार्स की डिटेल्स रहेंगी, आपकी कार्स के फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पे सारे मेंशन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका एडवर्टाइज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रांड दिखा रहा है। अब ब्रांड में मैं अपनी जो भी कार यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ उसका मुझे यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए मुझे सिंपली ब्रांड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ होंडा पे, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद हमारा यहाँ पे जो भी मॉडल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको वही यहाँ पे मॉडल डालना है, मतलब आपका ब्रांड डालना है जो आप कार सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको ईयर सिलेक्ट करना है, मतलब आपका जो भी मॉडल है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही यहाँ मैं डाल देता हूँ अपने कार का मॉडल, यहाँ पर मैंने 2017 डाल दिया है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखा, फील के ऑप्शन पर क्लिक करते देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पूछता है कि आपकी जो भी कार है, ठीक है, किस चीज़ से है, मतलब CNG डिटेल, इलेक्ट्रिक, LPG और पेट्रोल। तो हमारी जो भी कार है वो दोस्तों पेट्रोल से चलती है, तो हमें यहाँ पे पेट्रोल सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे बताता है ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कार का भी ऑटोमेटिक है तो आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है या फिर मैनुअल है तो मैनुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैनुअल, मेरी जो अभी कार में सेल कर रहा हूँ यहाँ पे मैनुअल है, ठीक है। इस पर मुझे क्लिक करना है, उसके बाद में और स्क्रॉल करूँगा। उसके बाद में बोलता है यहाँ पे किलोमीटर ड्राइव, मतलब आपकी जो भी कार है उन्हें किलोमीटर दूर तक चली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद बोलता है नंबर ऑफ ओनर्स, मतलब आपका जो कार है वो कितने ओनर पे रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा है सेकंड, तो मैं सेकंड सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि देखते हैं ऐड टाइटल। अभी दोस्तों मेन बात है आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा टाइटल डालना, जो भी आपकी कार है उसका यहाँ पे आपको नाम और मॉडल दोनों डाल देना है। जो भी सर्च करेगा तो आपका सबसे पहले वहाँ पे कार दिखाएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे नहीं डालना चाहते, आप यहाँ से सजेशन लेना चाहते हैं ओलेक्स की तरफ से, आप सिर्फ यहाँ पे सजेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे देख सकते हैं आपको सजेशन देता है कि आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। देख सकते हैं सेकंड नंबर का मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हम जो हमारा जो भी टाइटल है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अब अपना टाइटल डालने के बाद आप नीचे की साइड में देख सकते हैं डिस्क्राइब व्हाट यू आर सेलिंग, मतलब आपको यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी टाइटल है उसको यहाँ पे सिंपल इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ चुका है ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, उस कार से रिलेटेड यहाँ पर आपकी जानकारी भर देना है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईयर, ब्रांड, मॉडल और आप मतलब कितने रुपये में कार सेल करना चाहते हैं आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आपके जो कार के फीचर्स है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर कुछ डिटेल भर के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की मैंने यहाँ पे डिटेल फिल की है, देख सकते हैं ईयर डाला है, मॉडल डाला है, ब्रांड डाला है, कार पेपर डाले है और रेट, मोबाइल नंबर और एड्रेस डाला है, ठीक है। आपको ऐसे ही फिल कर लेना है। आप चाहते हैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिखना तो आप वो भी लिख सकते हैं। इससे यह होगा कि जो भी आपका कार खरीदने वाला है उसको यहाँ पर आपकी कार की डिटेल और आपके बारे में समझने में आसानी होगी, ठीक है। आप चाहते हैं आपका मोबाइल नंबर नहीं डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं, पहले उनसे बात कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना रेट डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर रेट कैसा डालना है, ना ही आपको ज़्यादा डालना है ना ही आपको कम डालना है, आपके हिसाब से आपकी कार के अकॉर्डिंग आपको आपका रेट यहाँ पर डालना है, ठीक है। सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ बोलता है अपलोड योर फोटो, मतलब हम जो भी कार यहाँ पे सेल करना चाहते हैं उसके हमें यहाँ पे फ़ोटो ले लेना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे फ़ोटो कैसे लेना है, यहाँ पे मैंने देखिए कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ निकाल के रखे हैं अपनी कार्स के, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, ये मेरी कार नहीं है, सिर्फ ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन आपको कार के फ़ोटोज़ कैसे निकालने हैं, जैसे कार के अंदर के और बाहर के और इंजन की भी आपको फ़ोटो निकाल लेना है और आपको नंबर वाइज फ़ोटो सेट करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर मैं फर्स्ट फ़ोटो रखना चाहता हूँ ये वाला ओके। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे लगता है सेकेंड मुझे ये रखना चाहिए, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। ये करने के बाद मुझे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका कैसा दिखेगा तो ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं इस प्रकार का हमारा कुछ फ़ोटो शो होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एरो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये फ़ोटोज़ हमारे यहाँ पे पूरे आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे आपको अंदर बाहर से सारे फ़ोटोज़ निकाल लेना है और आपको अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर बोलता है सेट अ प्राइस, मतलब यहाँ पर आप कितने रुपये में आपकी कार सेल करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी कार के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट डालना है, आपको ना ही ज़्यादा डालना है ना ही कम डालना है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रेट डालना है। तो चलिए मैं अपनी यहाँ पे कार का रेट डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एग्जांपल 1 लाख रुपये, ठीक है। जैसे ही 1 लाख में डालता हूँ यहाँ पर मैं करूँगा ओके पे क्लिक। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं ये फिर से हमसे पूछता है कन्फर्म योर लोकेशन, मतलब आपने जो भी यहाँ पर लोकेशन डाला है ये सही है कि आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं। यदि हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम फिर से यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन सिलेक्ट करके उसे यहाँ पे ओके कर देंगे, लेकिन मुझे यही रखना है, ठीक है। फिर से मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ देख सकते यहाँ पर आ चुका है हमारा रिव्यू यूअर डिटेल्स, हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर बता रहा है, ये वेरीफाई मोबाइल नंबर है हमारा इससे, और यहाँ पर यूज़र नेम बता रहा है। आप चाहते हैं यहाँ से नेम चेंज करना तो सिंपल यहाँ पर भी नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं करना। अब ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिर्फ अब कुछ भी नहीं करना गाइज, आपको सिर्फ यहाँ पे पोस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पोस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद आपका ये भी जो पोस्ट है यहाँ पे लोड हो जाएगा। देख सकते हैं ये बता रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर एड विल बी गो लाइव शॉर्टली, मतलब ये देख सकते हैं यहाँ करता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है प्रीव्यू एड पर क्लिक करना है। जैसे ये प्रीव्यू एड पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं जो भी हमारा एड है वो यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी जो आपने ऐड डाला है वो कितने लोग ने देखा, कितने लोग ने लाइक किया, और यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे शो करता है। देख सकते हैं इस प्रकार का लोगों को आपका जो भी डिटेल है वो ऐसा शो होगा, ठीक है। और यदि आपको कोई मैसेज करता है ये चीज़ ख़रीदने के लिए तो आपको सिंपली कहाँ मैसेज, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट का ऑप्शन आ रहा है, चैट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सारी चैट दिखाएंगी जो भी आपको मैसेज करेगा कार से रिलेटेड, या फिर आप इस पर कोई भी ऐड लगाएंगे तो आपको जो भी मैसेज आएंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आप बड़ी आसानी तरीके से सीख चुके होंगे कि ओलेक्स अकाउंट में कार कैसे बेचा जाता है, कैसे डिटेल फिल करी जाती है और कैसे प्रोसेस किया जाता है, आप सारी चीज़ें सीख चुके होंगे।
फिर भी आपका कोई सवाल या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक करें। आप हमारे चैनल पर कभी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।